द वर्जिन्स एक 17 मिनट की फिल्म है. ये जो हमारे देश में ना जो 20 और 30 साल के यंग मैन एंड वेमेन पे जो प्रेशर होता है ना कि वर्जिनिटी स्टेटस क्या है उनका, जिसके बारे में जानकारी सबको चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, दोस्तों को चाहिए, आपके होने वाले स्पाउस को चाहिए, स्पाउस के दोस्तों को भी चाहिए. तो वो उस सिचुएशन को मैं 1.5-2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. मेरे कुछ जानकार वाले भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं. तो मैंने काफ़ी दिन से सोचा था कि इसके बारे में कहानी लिखूँगा. फिर मैं मिस्टर विनय मिश्रा को मिला हमारा मूवीज़ के, तो उन्होंने कहा यार नॉन डायरेक्टर्स शॉर्ट फिल्म्स क्यों नहीं बनाते हैं. तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मैं बना लूँगा, मुझे तो बहुत पसंद है शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट. तो मैं 2 दिन के लिए मैंने कहानी लिख दी और उनको मिला मैं. तो जिस तरह से लिखी मैंने सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन लिखी तो बहुत बहुत फ़नी निकली है, काफ़ी अम्यूजिंग फिल्म निकली है. तो इमिजिएटली वी वर ऑन, सो दैट इज़ द वर्जन. वर्जन इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन एंड वुमन जो कि 7 दिन में उनकी शादी होने वाली है और क्या होता है उनके बीच में. एक फ़नी इंटरेस्टिंग फिल्म, लेकिन इसमें एक पॉइंट भी है. अगर आपकी शादी हो रही है, आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के साथ आप कंपैटिबल कितने हैं, आपके वैल्यूज़ या आपके जो इंटरेस्ट कितने मिल रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है अगर आपकी शादी ड्यूरेबल रहेगी या नहीं रहेगी, आपको खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, रादर देन समवन्स वर्जिनिटी स्टेटस, जो कि कोई झूठ भी बोल सकता है, कोई एक्टिंग भी कर सकता है, कोई छुपा भी सकता है. तो मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी के होने वाली वाइफ या हस्बैंड वर्जिन हो तो गारंटी है कि वो शादी बहुत अच्छी चलेगी, या नॉन वर्जिन हो तो शादी तो डूम्ड है, ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं तो ये कहूँगा कि यंग मैन एंड वेमेन एंड उसके अलावा उनके जो घर के जो एल्डर्स हैं वो इस चीज़ को साइड पर छोड़ दें, हम लोग आगे बढ़ें, देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग भी आगे बढ़ें. पिया इज़ क्वाइट बिग एक्ट्रेस इन द साउथ, और जब मैंने उसको अप्रोच किया, मैं चाहता था कि वो अनिका का कैरेक्टर करे, और मैं उसको पर्सनली जानता नहीं था, मैं अक्षय और देवेंद्र को जानता था पहले से. तो मैंने जब अप्रोच किया तो मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि पता नहीं करेगी या नहीं करेगी थोड़ा, लेकिन जिस तरह से वो आई फिल्म में, और पिया का सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमेशा कोशिश करती रहती है, वो कभी भी गिव अप नहीं करती है, चाहे वो शूट हो, चाहे वो रीडिंग टाइम हो, चाहे वो कभी भी उसको लगे मेरा चेहरा देखती है कि मैं उसको ज़रा भी डाउट लगे मेरे चेहरे पर तो बोले मैं एक बार और करूँगी, एक बार और फीडबैक लेती है, और हर फीडबैक के बाद इम्प्रूव करती है. तो बहुत डेडिकेटेड एक्ट्रेस है. आई थिंक शी विल गो अ लॉन्ग वे एंड वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड. शी इज़ लाइक अ फ्रेंड ऑन द सेट विद एवरीवन, सो फैंटास्टिक. एक गाना है इस फिल्म में, स्वानंद किरकिरे और नेहा भसीन ने गाया है उसको. एक हम मेरी डिस्कवरी है, एक 20 साल का कंपोज़र अनुज है, 20 इयर्स का है, मेरे एडवर्टाइजिंग काम से मेरा रेफरेंस में आया. बहुत बढ़िया ट्यून है, यंग ट्यून है, और इन लोगों ने बहुत अच्छा से गाया है, रिया मुखर्जी ने लिखा है उसको. तो इट्स ऑल्सो अ फनी सॉन्ग, इट्स अ थीम सॉन्ग ऑफ द फिल्म इन अ सेंस, इट्स कॉल्ड द वर्जिनिटी सॉन्ग. अगर ऑडियंस को ये फिल्म ऐसी फिल्म देखनी है जिसमें कि आप एंटरटेन रहें और कुछ पॉइंट भी हो, और वो फिल्म को आपको औरों को दिखाने का मन करे. शेयरेबिलिटी इज़ अ बिग थिंग इन दिस फिल्म. मुझे लगता है ये फिल्म बहुत शेयर होगी, लड़कियाँ देखेंगी, बोलेंगी यार, अपने फ्रेंड से बोलेंगी यार तू भी देख, और इस तरह से मुझे लगता है कि ये फिल्म जाएगी. तो अगर ऐसे रहे तो आप 30th के बाद इस फिल्म को ज़रूर देखिए, एंड हमको फीडबैक बताइए. हमारा फेसबुक पेज है, आप प्लीज़ उसमें रिव्यू लिखिए, अच्छी लगे बुरी लगे जो भी लगे, आई वॉन्ट द फीडबैक.